और अब बात नमाज पर महाभारत की, जो मांग झारखंड में शुरू हुई अब उसने यूपी में भी जोर पकड़ लिया है। समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी ने विधानसभा में नमाज रूम की मांग कर सूबे की राजनीति को गरमा दिया है। रिपोर्ट देखिए। नमाज रूम पर महाभारत, झारखंड के बाद उत्तर प्रदेश में उठी मांग। विधानसभा के अंदर मुस्लिम विधायकों के लिए अलग नमाज रूम की मांग पर समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी ने सूबे की सियासत में भूचाल ला दिया है। मेरा कहना यह है कि जब विधानसभा चलती है तो उस समय महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं, हम ही नहीं तमाम विधायक अपने अपने क्षेत्र के लगाते हैं। और क्योंकि नमाज हमारी 1 बजे वाली 1 बजे होगी, 5 बजे वाली 5 बजे होगी, 6-7 बजे वाली जैसे जैसे टाइम है, तो अगर एक छोटा सा रूम, हमने मस्जिद का नाम नहीं लिया है, हमने प्रेयर रूम का नाम लिया है, अगर हृदय नारायण दीक्षित जी जो हमारे विधानसभा अध्यक्ष हैं वो अच्छा समझे तो बना दें। इरफान सोलंकी ने एक वीडियो मैसेज रिलीज कर उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित से नमाज पढ़ने के लिए अलग कमरे की व्यवस्था करने की मांग रखी है। इस मामले में उनकी तरफ से कोई प्रार्थना पत्र, कोई मांग पत्र हमारे कार्यालय को अब तक नहीं प्राप्त हुआ। अगर इस आशय का कोई आवेदन आता है तो हम नियमावली और संवैधानिक व्यवस्था के आलोक में उसका अध्ययन करेंगे और तभी कुछ कहना ठीक रहे। यूपी में नमाज रूम की मांग ऐसे वक्त में की गई है जब देश के दूसरे राज्यों में भी इसको लेकर माहौल गर्म है। हाल ही में झारखंड में विधानसभा के अंदर मुस्लिम विधायकों के नमाज पढ़ने के लिए नमाज रूम आवंटित किया गया है, जिसको लेकर झारखंड में विरोधी दल नमाज रूम को रद्द करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। और अब यूपी में भी विधानसभा के अंदर नमाज पढ़ने के लिए अलग कमरे की सपा विधायक की मांग ने नई सियासी बहस छेड़ दी है। अखिलेश यादव अपनी मुंह से क्यों नहीं बोलते बात ये? अरे हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जैसा कि हर समाज, हर बरादरी की एक पॉलिटिकल लीडरशिप है, उनकी एक पहचान है, उनकी एक शनाख्त है, उसी तरह इंशाअल्लाह ताला उत्तर प्रदेश में मुस्लिम अकलियत की एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल वॉइस हो जिसको भारत का संविधान उसकी इजाजत देता है। इधर बिहार में भाजपा विधायक हरिभूषण ने नमाज रूम की डिमांड पर विधानसभा में हनुमान चालीसा के लिए मंदिर की मांग रख दी है। मतलब नमाज रूम की जो मांग झारखंड से शुरू हुई वो छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के बाद यूपी आ गई। अब ये डिमांड सिर्फ डिमांड ही रहती है या सियासी हथियार बनती है, ये देखना होगा। कानपुर से रतीश त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।